ठीक है, पेज नंबर 115 ये कंटिन्यू करते। धवल मेरे को एक बात बताओ, एक स्टॉप बाय है और एक लिमिट बाय है, दोनों 55 पे लगाए हैं, ठीक है, स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 पे, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा नहीं होगा, क्या होगा दोनों में? स्टॉक प्राइस 50 पे, मैंने एक स्टॉप बाय लगाया 55 पे और एक लिमिट बाय लगाया 55 पे, कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा? दोनों एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा, क्या सिनारी होगा? स्टॉप बाय का क्या होगा एंड लिमिट बाय का क्या होगा? हाँ बोलो। हाँ स्टॉप बाय तभी करेंगे कि जब शॉर्ट सेल किया रहेगा तो स्टॉप बाय लगाए 55 पे एंड लिमिट बाय मतलब खरीदेंगे या वो टाइम पे खरीदेंगे, एंड अभी करेंटली स्टॉक ट्रेड कर रहा है 50 पे। मैं ये बोल रहा हूँ कि कौन सा एग्जीक्यूट होगा, कौन सा एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्या होगा? लिमिट बाय एग्जीक्यूट हो जाएगा तुरंत। मैंने लिमिट बाय 55 पे लगाया, 55 पे लगाया, बट स्टॉक कितने पे ट्रेड कर रहा है? 50 ना। तो लिमिट बाय क्या बोलता है कि मैक्सिमम में 55 पे खरीदेगा, बट अभी मैं बेस्ट प्राइस के हिसाब से खरीदूंगा, अभी के लिए बेस्ट प्राइस 50 है ना, तो 50 पे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा, तो रुपीज 50 एग्जीक्यूशन एट रुपीज 50, इस पे क्या होगा? नहीं होगा एग्जीक्यूट, 55 पे रुपीज 55 पे ट्रिगर होगा एंड एग्जीक्यूशन एट रुपीज 55 और मोर। समझा डिफरेंस? बेसिक डिफरेंस है। स्टॉक बाय का कैसे होगा? 50 पे है, मैंने स्टॉक सेल किया रहेगा, है ना, शॉर्ट किया रहेगा मैंने, जैसे ही 55 पे आता है स्टॉक मतलब प्राइस ऊपर जाता है तो 55 पे ट्रिगर होगा एंड एग्जीक्यूट होना चालू हो जाएगा, तो या तो 55 पे होगा या तो 55 के ऊपर होगा एग्जीक्यूट। समझ में आया? उसके बाद क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन, ये बेसिकली क्या बोलता है, कैसे सेटलमेंट होता है, बहुत सिंपल है। इसके पहले हम लोग ने दो देखा था, इसके पहले कौन सा दो देखा था हम लोग ने? वैलिडिटी देखा था एक, और एग्जीक्यूशन देखा था। एग्जीक्यूशन में क्या देखा था हम लोग ने? मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर देखा था। वैलिडिटी में क्या देखा था? गुड टिल, कैंसल्ड, वो सब देखा था। एंड क्लियरिंग इंस्ट्रक्शन से कैसे सेटलमेंट होता है, सिंपल है। अगर इंडिविजुअल है तो ब्रोकर के थ्रू होता है, लेकिन अगर इंस्टीट्यूशन है तो पॉसिबिलिटी की दो ब्रोकर्स हो उसका, एक उसका प्राइम ब्रोकर हो जो मेजर मार्जिन लेंडिंग सब कराता है, और एक उसका नॉर्मल जो एग्जीक्यूशन के लिए होता है वो उसका स्पेशलाइज ब्रोकर होता है। दो ब्रोकर्स हो सकता है, होने के लिए एक भी रह सकता है, होने के लिए एक भी रह सकता है, या तो इंस्टीट्यूशन के लिए दो भी हो सकता है। इंडिविजुअल्स के लिए मोर और लेस एक ही रहता है जो उसका सब चीज़ें संभाल लेता है। हार्ड लगा, ये तीन पार्ट था। इसके बाद नेक्स्ट LOS पे हम लोग देखेंगे प्राइमरी एंड सेकेंडरी मार्केट्स के ऊपर, ठीक है, एक बार रीड करो।